लव स्टोरी शाहिद के पीछे पड़कर करीना ने कहा था आई लव यू, फिर क्यों हो गया दोनों का ब्रेकअप। करीना कपूर बॉलीवुड में आते ही स्टार बन गई थी। खूबसूरत और टैलेंटेड करीना को पसंद करने वालों की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन 2003 में बेबो ने किसी को पसंद किया। उस प्यार को पाने के लिए करीना को 2 महीने तक उसे फॉलो करना पड़ा। यहां तक कि करीना ने खुद उस शख्स को प्रपोज किया जिस शख्स के लिए करीना दीवानी हो रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि शाहिद कपूर थे। शाहिद कपूर के लिए कभी इतनी दीवानी हो गई थी करीना की उनके पीछे ही पड़ गई थी। इस बात का खुलासा खुद करीना ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में किया था। आखिरकार करीना को शाहिद मिल ही गए। कपूर खानदान की लाडली और इंडस्ट्री एक टॉप हीरोइन ने उमर शाहिद को किया था प्रपोज। ऐसे में प्यार तो होना ही था। फिल्म फिदा के सेट पर शाहिद पर फिदा हुई थी करीना और फिर जुड़ गया इनका किस्मत कनेक्शन। इस रिश्ते वो इतनी डिवोटेड थी कि करण जौहर के शो में उन्होंने कर दिया अपने प्यार का ऐलान। शाहिद से पहले करीना का नाम ऋतिक रोशन से जुड़ा था, लेकिन शादीशुदा ऋतिक के साथ करीना का रिश्ता लंबा चल नहीं पाया और फिर दोनों ने फिल्मों में साथ काम करना भी बंद कर दिया। ऋतिक से दिल टूटा तो करीना ने शाहिद में प्यार ढूंढा। शाहिद के साथ करीना का रिश्ता बहुत मजबूती से जोड़ा। कम बोलने वाले शाहिद का पर दिलो जान से कुर्बान हो रही थी करीना। शाहिद की हर बात हर आदत करीना फॉलो करने लगी बेबो। शाहिद का प्यार पाते ही पंजाबी फैमिली से बिलोंग करने वाली करीना ने नॉनवेज खाना तक छोड़ दिया। शाहिद की तरह वो हो गई वेजिटेरियन। करीना में आए इस बदलाव से उनके परिवार वाले भी परेशान हो गए। घर वाले सोचने लगे कि जमकर नॉनवेज खाने वाली करीना पर शाहिद ने ऐसा क्या जादू कर दिया है। करीना ने उस वक्त शाहिद से रिश्ता बनाया जब शाहिद बॉलीवुड में नए नए थे और करीना एक टॉप एक्ट्रेस के तौर पर मकाम बना चुकी थी। पहली फिल्म स्क्विश के बाद शाहिद की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन विवाह के हिट होते हैं शाहिद टॉक ऑफ द टिशेल टाउन बन गए थे। ऐसे में करीना शाहिद को लेकर इनसिक्योर भी हो रही थी। करीना को लगने लगा था कि शाहिद के साथ काम करने वाला हीरोइंस कहीं उनसे उन्हें छीन न ले, और इन हीरोइंस में सबसे पहला नाम अमृता राव का था। अमृता राव के साथ शाहिद ने 2 हिट फिल्में दी थी, जबकि करीना के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी फ्लॉप चल रही थी। ऐसे में करीना शाहिद की कोस्टार अमृता से रहती थी, लेकिन इन सब के बावजूद करीना और शाहिद में सब कुछ अच्छा चल रहा था। शाहिद करीना के प्यार को उनके घर वालों ने भी रजामंदी दे दी थी। करीना के पापा ने तो शाहिद को फैमिली मेंबर तक मान लिया था, तो वहीं करिश्मा के लिए बेबो की तरह लाडले थे शाहिद। ऐसा लग रहा था कि साल 2007 में करीना और शाहिद शादी कर लेंगे, लेकिन इसी दौरान इस लव स्टोरी में हो गई सैफ अली खान की एंट्री। बताया जाता है कि शाहिद अपनी कोस्टार अमृता राव से बहुत फ्रेंडली थे। शाहिद को लेकर ओवर पॉसेसिव करीना इस बात से उनसे नाराज रहती थी। शाहिद के एक इंटरव्यू के मुताबिक करीना शाहिद पर जरूरत से ज्यादा हक जताने लगी थी और इससे खत्म होता जा रहा था शाहिद का अपना अस्तित्व। शाहिद की माने तो करीना के डोमिनेटिंग नेचर की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ। शाहिद की माने तो करीना वही करना चाहती थी जो उन्हें पसंद हो। शाहिद की इच्छाएं और पसंद नापसंद से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। बाहर से आइडल लवर्स दिखने वाले शाहिद करीना के रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम चल रही थी। दोनों का करियर भी ठीक नहीं चल रहा था। इसका ठीकरा दोनों ही एक दूसरे के सिर पर फोड़ रहे थे। करीना उस दौरान अपने लोडा रहे करियर का जिम्मेदार शाहिद को मान रही थी, तो शाहिद अपनी फ्लॉप फिल्मों का कारण करीना को बता रहे थे। जब भी मेट की करीब करीब सारी शूटिंग ने बटा कर शाहिद अपनी दूसरी फिल्म किस्मत कनेक्शन की शूटिंग करने कनाडा चले गए, तो करीना टशन की शूटिंग के लिए लद्दाख चली गई। उस दौरान सैफ अली खान करीना को खूब हंसाया करते थे। करीना सैफ से इतनी इम्प्रेस्ड हो गई कि वो टशन के बाद उनके साथ लॉन वॉक पर जाने लगी थी। सैफ का उनकी गर्ल फ्रेंड रोजा से 3 साल पुराना रिश्ता टूट रहा था और करीना में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। टशन की शूटिंग के दौरान सैफ करीना के लिंकअप्स की खबरें आने लगी, लेकिन इस बात को अफवाह भी माना जा रहा था। लेकिन शाहिद करीना के ब्रेकअप की खबर कंफर्म हुई जब बी मेट के लास्ट शूटिंग शेड्यूल पर करीना की लाइफ में सैफ अली खान आ गए और शाहिद का नाम उन दिनों विद्या बालन से जुड़ने लगा। कुछ दिनों बाद प्रियंका और शाहिद के अफेयर की भी चर्चा हुई। फाइनली शाहिद ने अपने मम्मी पापा की मर्जी से अरेंज मैरिज कर ली। करीना और सैफ मम्मी पापा बन चुके हैं, तो वहीं शाहिद भी वाइफ मीरा और बेटी मीशा के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।